आयशा खान मुझे नहीं लगता कि चाहती है कि मुनव्वर किसी और के साथ अलाइंसेस बनाए। मुनव्वर जो है किसी और के साथ बैठे हंसे खेले। जब मुनव्वर जो है हंसता खेलता है तब आयशा को बहुत बुरा लगता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब आयशा जो है गार्डन एरिया में है जहाँ पर अंकिता सबके साथ बात कर रही है, मुनव्वर की तारीफ़ भी करती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, और मुनव्वर जो है औरा और ईशा के साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें कर रहा है, ताशरी खेल रहा है, जहाँ पर अभी आयशा ईशा को पसंद नहीं करती। ईशा ने जो है आयशा को नॉमिनेट भी किया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, पर मुनव्वर फिर भी उनके साथ बैठा है, जो कि औरा ने इसकी वाट भी लगा दी आज कि तू मुझे मेरे साथ ऐसा टच्ची टच्ची नहीं हो सकती है, मैं भी बंदा हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। और ईशा ने भी नॉमिनेट कर दिया। अब जो है सब बैठी है वहाँ पर और पूरा ध्यान जो है मुनव्वर के ऊपर है। मुनव्वर को देख रही है, घूर रही है, सब चीज़ें कर रही है। मुनव्वर अपना हंस खेल रहा है। क्यों ये सब चीज़ें कर रही है कि बाद में जब आएगा तब हिसाब किताब करूँगी, टोंड मारूंगी कि हाँ मैं तो सबके साथ बैठी थी यहाँ पर, तू ही दुश्मनों के साथ जाके बैठा था, तेरे को ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ हंसी मजाक करना, और बता तू वहाँ पर बातें क्या कर रहा था। और मुनव्वर जो है सब बातें आयशा को बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, कहीं पर भी कोई भी बात हुई हो, चाहे पीठ पीछे हुई हो, तो वो पूछती है कि क्या बात कर रहे थे। तो मुनव्वर जो है बहुत ही अच्छे से वो पूरी बात सच सच जो है बता देता है, जो कन्वर्सेशन किसी और के साथ हुई हो मुनव्वर की। पर मुनव्वर यहाँ पर आके भी बताते कि मेरी ये कन्वर्सेशन हुई थी, जो कि एक्चुअली में मुनव्वर इससे पहले ये चीज़ नहीं करते थे, बट आयशा के आने के बाद जब आयशा के साथ ये चीज़ कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए भाई ये चीज़, इस बंदी को बाहर निकालो, पर निकलने वाली है नहीं, बस नारे लगा सकते हैं हम। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।